6 साल बैलेट पेपर से चुनाव कराती है, लेकिन हमारे देश में बैलेट पेपर नहीं ईवीएम लागू हो गया। क्यों? क्योंकि जब हमको वोट का अधिकार मिला था उस वक्त बाबा साहब ने कहे थे कि ऐ बहुजनों तुम जाओ अपने घर के दीवार पे लिख दो कि तुम राजा थे, राजा के वंशज थे। और मुझे अवसर मिला, मैं संविधान में एक प्रावधान करके रखा कि अब कोई रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा, अब बैलेट पेपर से राजा पैदा होगा। और जितने वोट का अधिकार ब्राह्मणों का होगा, किसी राजा का होगा, उतना ही वोट का अधिकार एक मिस्त्र रानी का के बेटे का भी होगा, एक मिस्त्र रानी का भी होगा। इस बात से 3% ब्राह्मणवादी जो देश पर शासन सत्ता में है वो जान गया कि ये मूल निवासी को जो अधिकार मिला है, सम्मान से खड़ा हो, ये पढ़ा लिखा डॉक्टर इंजीनियर IAS IPS प्रोफेसर इंटेलेक्चुअल लोग बना, ये अपने हक के अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है और मांग कर रहा है अपने हक के लिए। ये सांसद पार्लियामेंट तक जा रहा है, चपरासी से लेकर राष्ट्रपति तक बन रहा है। अब ये उठ के एकजुट हो जाएगा, अपने अधिकार की लड़ाई ले मारेगा तो हमको ये शासन सत्ता पे नहीं टिकने देगा। इसलिए उसने बहुत बड़ी षड्यंत्र करके हमारे देश में ईवीएम को लाया और हमारे वोट के अधिकार को खत्म किया। और आज हमारे जो अधिकार थे, जो वोट का अधिकार था जिसे हमारे समाज में राजा बनते थे, उसका अस्तित्व खत्म कर दिया गया। इस वजह से ये पूरे देश में, पूरे भारत में ये ईवीएम भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा चल रहा है। ये ईवीएम से क्या होगा, क्या आने वाले फ्यूचर में हमारा समस्या होगा, आज के डेट में क्या हो रहा है, माननीय हमारे मिश्रा साहब आप लोगों को पूर्ण रूप से विस्तार से बताएंगे, इनकी आप लोग सुने। और मैं एक बात कह देना चाहती हूँ कि इस देश में जो हालात पैदा हो गया, आज हमारे समाज के बच्चे यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में बेरोजगार हो रहे हैं, पढ़ रहे हैं, मार खा रहे हैं, हत्या हो रही है, महिलाओं पर, बच्चियों पर रेप हो रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ मानववादी सरकार की मानसिकता है। इस चीज को समझना होगा और हम लोग एकजुट होकर इस ईवीएम को विरोध करना होगा और अपनी ईमानदारी की, अपनी प्रतिनिधित्व की सरकार बनानी होगी और ईवीएम का विरोध करना होगा। बैलेट पेपर से चुनाव के लिए हम लोगों को लड़ाई लड़ना होगा। इसी चांद सत्य के साथ मैं अपनी बात को विराम देती हूँ। जय मूल्य, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोगों के बीच अगले